दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। पांडिचेरी हमारे देश भारत की 7 यूनियन टेरिटरीज में से एक है और देश की सबसे बड़ी फ्रेंच कॉलोनी भी है। भारत के बाकी शहरों की तरह पांडिचेरी भी अपनी संस्कृति और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के पास स्थित पांडिचेरी एक छोटा सा शहर है जहां व्यापार और युद्ध का एक लंबा इतिहास है, लेकिन इसके अलावा इस शहर का एक भयानक चेहरा भी है। अपनी संस्कृति और इतिहास के साथ साथ ये शहर कई भूतहा जगहों के लिए भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको पांडिचेरी के कुछ प्रेतवादित स्थानों से रूबरू करवाएंगे। पांडिचेरी म्यूजियम के बगल में स्थित इस घर को भूतहा माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती नाम की एक महिला अपने पति रवि शाह के साथ रहा करती थी, जिसे उसके बहनोई ने साल 1999 में बड़ी बेरहमी से मार डाला था। पार्वती नाम की यह खूबसूरत लड़की एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। अपने कॉलेज के दिनों में उसे रवि से प्यार हो गया। पार्वती के रवि शाह से शादी करने के कुछ महीने बाद रवि के भाई कमल शाह की पार्वती पर बुरी नजर थी। कमल शाह ने ईंट के टुकड़े से पार्वती पर वार किया और फिर डंडे से उस पर हमला किया। फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती की और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस कार्रवाई होने के बाद कमल को फांसी की सजा सुनाई गई। रवि शाह और उनकी मां पद्मावती को सबूत मिटाने और भागने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। सूत्रों के मुताबिक कमल सनकी दिमाग का आदमी था और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 20 सालों से यह घर बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्वती की आत्मा आज भी इस घर के आसपास मंडराती हुई दिखाई देती है। तब से लेकर आज तक इस घर को पांडिचेरी में सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। पांडिचेरी बीच के पास ये सड़क पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है, लेकिन इन सबके अलावा ये जगह अपने भूतहा होने के लिए भी जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ एक बिल्डिंग में काफी समय पहले किसी की बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसके बाद ये बिल्डिंग एकदम सुनसान पड़ गई। बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बिल्डिंग को अपना ऑफिस बना लिया, लेकिन कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां महसूस होने के बाद इस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया। बाद में इस बिल्डिंग को बेच दिया गया। इसकी मुरम्मत भी की गई, लेकिन सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर एक महिला को जख्मी हालत में खिड़की से झांकते हुए देखा गया है, जिसके बाद वह हवा में गायब हो जाती है, इसलिए शाम ढलते ही वहाँ कोई नहीं जाता। पांडिचेरी से चेन्नई का ये हाईवे भी शहर के सबसे भूतहा जगहों में से एक है। दिन ढलने पर यह हाईवे एक भयानक रूप ले लेता है। रात के वक्त इस हाईवे से जाने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार एक लड़की को अपनी गाड़ी के सामने आते हुए देखा है, जिसके चलते यहाँ पर कई लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस लड़की की आत्मा लोगों से अपनी मौत का बदला लेती है। इसके अलावा देर रात में सफर करने वाले लोगों ने कई बार यहाँ पर कुछ रहस्यमय परछाइयों का सामना किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने यहाँ पर एक बच्चे को भी रेंगते हुए देखा है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए
इजाजत दीजिए।